हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता टेस्टी किचन। मेरा नाम नम्रता है। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक होंगे एंड फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नॉनवेज सी फूड थाली बनाने वाली हूँ, और वो बनाने वाली हूँ मैं सुरमई थाली। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है, सबसे पहले ये है सुरमई, ये सुरमई फिश है, इसे किंग फिश भी बोला जाता है। तो ये मैंने फ्रेश ये किंग फिश ली हुई है, इसे अच्छे से प्रॉपरली इसे क्लीन कर लिया है। और अब मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ये मसाला लगने वाला है। ये गिल्ला नारियल है, ये थोड़ा सा मैंने लिया है गिल्ला नारियल। ये एक प्याज, ये 8-10 लहसुन की कलियाँ, ये होल रेड चिली है, सूखी लाल मिर्च है, एक टमाटर है, और ये कुछ कड़ी पत्ता है, और होल स्पाइस में है ये फ्रेंड्स। ये एक स्टार एनीस है, चक्री फूल, ये कुछ दालचीनी है, और ये नाग केशर है। ये तीन लिए हैं मैंने, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिश करी में। और फ्रेंड्स, ये फिश करी का मैं मसाला बता रही हूँ आपको। तो इसमें से हम ये फिश में से कुछ हम फिश करी बनाएंगे और कुछ हम फ्राई करेंगे। तो अब मैं ये बता रही हूँ आपको, ये फिश करी का मसाला है। तो ये है एक बड़ी इलायची, और ये तीन लौंग, और ये 8-10 ब्लैक पेपर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये ऑनियन है ना फ्रेंड्स, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले ये मिक्सर जार में मैंने जो गिल्ला नारियल है उसे बारीक चॉप कर लिया है, ये सूखी लाल मिर्ची, टमाटर और लहसुन, इन सबको अब मैं बारीक पीस लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है। अब मैं इसमें सारे ये जो होल मसाले हैं ये भी इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे फिर से बारीक ऐसे पीस लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मसाला अच्छे से पीस चुका है। तो अब मैं करती हूँ आगे की रेसिपी स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिश को नमक और हल्दी लगा लिया है, और बस थोड़ा थोड़ा नमक हल्दी लगाना है ताकि फिश की कोई स्मेल नहीं आती, और इसे हमें ऐसे ही रख देना है। दोनों साइड से हमें ये नमक और हल्दी लगा देंगे, और ऐसे इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और डालते हैं उसमें दो चम्मच ऑयल के। तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, लेकिन अब हम ऑयल गर्म होने का वेट करते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म होएगा तो हम उसमें डालेंगे जीरा। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है थोड़ा, अब डालेंगे इसमें हम जीरा, और फिर डालेंगे इसमें थोड़ी सी राई, और डालेंगे ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब फ्रेंड्स, हम डालेंगे इसमें ये एक प्याज बारीक चॉप किया हुआ, फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये प्याज इन लाइट पिंक ऐसा कलर हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें ये मसाला, ये फाइन पेस्ट किया हुआ ये मसाला अब हम इसमें डाल देंगे। और बाकी का फ्रेंड्स, ये तो हम सब ही करते होंगे, जो मसाला मिक्सर जार में रह जाता है, जो बचा हुआ जो चिपक जाता है लास्ट एंड में, तो हम उसमें पानी डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके वो मसाले में डाल देते हैं, भुने हुए मसाले में डाल देते हैं, ऐसे सभी करते हैं ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक
स्वाद अनुसार। याद रखें आपने फिश को भी थोड़ा सा नमक से कोट किया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी। पाउडर और आप डालेंगे इसमें 2 चम्मच मालवनी मसाला। ये मालवनी मसाला है, इससे फिश करी बहुत ही टेस्टी बनती है। फिश करी मेरी बहुत फेवरेट है फ्रेंड्स, मैं हमेशा बनाती हूँ। आई लव ऑल फिशेस, फ्राई करी, फिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा फिश बनाती रहती हूँ। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। ये देखिए, ये ऑयल बाहर आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी आपको जितना चाहिए, थिक चाहिए आपको, पतला ग्रेवी चाहिए, तो आप उस हिसाब से इसमें पानी डालें। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बस एक बॉईल आया ना फ्रेंड्स, तो हम इसमें डाल देंगे ये फिश के पीसेस। फिश करी है ना, आप राइस, चावल की जो भाकरी रहती है ना, उस चावल की रोटी, जो चावल की भाकरी, उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास राइस फ्लावर है तो आप उसकी भाकरी जरूर बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। या ज्वार की भाजी, ज्वारी की भाकरी, जो भी आपके पास, व्हीट फ्लावर की भी अच्छी लगती है, बट राइस की भाकरी बहुत ही अच्छी लगती है। बट आज तो मैं व्हीट फ्लावर की, व्हीट गेहूँ की रोटी बनाने वाली हूँ, और साथ में राइस, राइस, और सिर्फ आप राइस एंड ये फिश करी भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप ये जरूर ट्राई करना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बॉईल आ गया है, तो अब हम डालेंगे इसमें सुरमई मच्छी के पीसेस। तो ये आस्ते से आपको इसमें डालना है। तो मैं इसमें 2 पीसेस डालती हूँ, क्यों, हम लोग 2 लोग हैं खाने के लिए, इसलिए मैं इसमें अब फिलहाल 2 पीसेस ही डालती हूँ। और गैस की फ्लेम अब हमें स्लो कर देनी है, और फ्रेंड्स इसे हमें पलटना नहीं है, इसे स्लो फ्लेम पे ऐसे ही 5 मिनट के लिए रखना है। और 5 मिनट में हमारी ये फिश कुक हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो पीसेस आपने डाले हैं, इसे बस आपको 2 to 3 मिनट्स के लिए ही रखने हैं, बस 2 to 3 मिनट्स में ही ये फिश बन जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिश करी, सुरमई फिश करी रेडी हो गई है। अब ऊपर से मैं डालती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अब हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है, हमारी फिश करी, सुरमई फिश करी तो रेडी हो गई है। और अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, ये तो रेडी हो गई है। अब मैं बनाने वाली हूँ सुरमई फिश फ्राई। तो फ्रेंड्स, ये जो बचे पीसेस है, इसकी मैं फिश फ्राई करने वाली हूँ। तो इसको मैं अब लगाऊंगी, पहले तो मैंने इसे नमक और हल्दी तो लगा दिया है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन। इसे फ्रेंड्स मैंने छिलके के साथ ही पीस लिया था। तो अब डालेंगे इसमें, ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये 2 चम्मच हम डालेंगे। थोड़ा सा अब इसमें डालेंगे ये मालवनी मसाला, ये 1.5 चम्मच हम डालेंगे इसमें।
माधवनी मसाला और इसे अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा इसे हमने इसे मसाले में ये फिश को कोट कर लेना है। फ्रेंड्स, ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक और डालूंगी क्योंकि मैंने पहले भी इसमें नमक डाला हुआ है और ऊपर से थोड़ा सा और नमक डाल के सारी फिशेस में अच्छे से मिक्स कर दूंगी, अच्छे से लगा लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा मसाला फिश को लग गया है। तो अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए एक 20 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और मेरी रोटी भी बन गई है। रेडी करते हैं फिश थाली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये बारीक रवा और ये मैंने चावल का आटा लिया है, तो दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसमें अब डालेंगे हम ये फिश के एक एक करके पीसेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये फिश को अच्छे से ये रवा और जो चावल का आटा लिया है इसमें अच्छे से कोट कर लिया है और यहाँ पे मैंने ऑयल भी गैस पे चढ़ा तवे पे रख दिया है तो वो गर्म हो गया। तो हम एक एक करके फिश के पीसेस इसमें डालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमें ऐसे शैलो फ्राई करना है थोड़े ऑयल में। तो ये 2-3 मिनट के बाद हमें इसे पलटना है। तो इसी तरह हम सारी फिशेस को फ्राई कर लेंगे और इसे अच्छा एक क्रिस्पी हमें फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से अच्छी फ्राई हो गई है और इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करना है।